नेशनल अकेडमी फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ नागपुर के कैडेट्स ने महाराजा बुलंदशाह के तुमसर तालुका के अम्बागढ़ स्थित दुर्गम किले को जंगल के रास्ते से चढ़कर पार किया। नेशनल अकेडमी फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ नागपुर कैडेट्स ने रात को करीब 9 बजे 35 कैडेट और 3 कमांडर के साथ मिलकर किले के पीछे तरफ से भयानक जंगल के रास्ते ट्रैकिंग शुरू की। हाथों में टॉर्च लेकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हुए कैडेट आगे बढ़ रहे थे। जंगल में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हर तरह तरह के जानवर भी दिखे, लेकिन कैडेट ने सभी मुश्किलों का सामना करते हुए रात को 2 बजे किले पर चढ़ाई पूर्ण की। कैडेट पूरी रात किले पर ही रुके और सुबह 7 बजे अपने बेस कैंप उसी रास्ते से वापस आए। इतनी बड़ी मुसीबतों के बाद भी कैडेट के चेहरों पर किला फतह करने की खुशी साफ दिख रही थी। इस मुहिम का नाम तानाजी मालुसरे के नाम पर तानाजी रखा गया था, जिसमें तानाजी मालुसरे के रूप में NAFS के कमांडर दुर्गेश अपनी भूमिका निभा रहे थे। उन्हीं में से एक कमांडर शेला मामा के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे और उन्हीं के साथ साथ एक जन का नाम घोरपड़े बंधु भी रखा गया था, जिस कारण कैडेट्स को किला फतेह करने की प्रोत्साहन और ज्यादा मिल रही थी। दोस्तों, ये जो ट्रैक था, ये तानाजी ट्रैक था। एक्चुअली जो तानाजी थे वो हमारे कमांडर अभिषेक थे, वो बने थे, और जो घोरपड़े बंधु थे ये हमारे, क्या नाम आपका, कदम, ये घोरपड़े बंधु बने थे। तो इन सबका सपोर्ट लेके हम लोग ये किले पे फतेह हासिल की। नाइट हम लोग यहाँ से चले 12 बजे से हम लोग लेके 2:30-3 बजे हमको 3 घंटा तकरीबन लग गया चढ़ने के लिए। जो ब्रिज हम लोगों ने क्रॉस किए वो ब्रिज इम्पॉसिबल था, लेकिन जो हमारी टीम थी उसको उन्होंने पूरे सफलता से हासिल किया। केसरी उजाला न्यूज के लिए रितेश बिरनवाल की रिपोर्ट।